मधुमक्खी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। एक अंधेरी काली रात में प्रीति सुनसान रास्ते पे जोर जोर से भाग रही थी। शायद कोई उसके पीछे पड़ गया था। तभी अचानक से एक कार आकर उसके पास रुकी। हेलो, एक्सक्यूज मी, लगता है आप किसी मुसीबत में हैं। मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? यस, प्लीज मुझे बचा लीजिए, यहाँ से कहीं दूर ले चलिए मुझे, प्लीज सर। डरो मत, अंदर आ जाओ। प्रीति उस जेंटलमैन के साथ तुरंत ही वहां से चली गई। देखिए, अब हम काफी दूर आ चुके हैं, आपको कहाँ जाना है बता दीजिए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। मैं कहाँ जाऊंगी? ओके ओके, घबराइए मत, अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो ये मेरा घर है, आप चाहें तो आज रात यहीं पे रुक जाइए। वाओ, ये आपका बंगलो है? जी, चलिए अंदर चलिए। इतना सारा खाना अकेले आपके लिए? हाँ, आप भी लीजिए ना, आपके लिए भी तो बना है। लगता है जैसे प्रीति बहुत दिनों से मन भर के खाई नहीं थी। लक्ष्मण, लक्ष्मण, मैडम के रहने का बंदोबस्त हमारे गेस्ट रूम में कर दीजिए। जी साहब। बहुत अच्छे से नींद पूरी हुई। ये सर कितने अच्छे हैं, इतने अमीर होकर भी बिल्कुल घमंड नहीं। काफी बड़ा बंगला है इनका, अभी घूम कर देख लेती हूँ, मजा आ जाएगा। सर, हमारा इस क्वार्टर का रेवेन्यू 50 करोड़ है। अब टाइम आ गया है हमारे बिजनेस को अब्रॉड में स्प्रेड करने के लिए। सारे स्टेक होल्डर्स आकर पहुंच चुके हैं, 10 मिनट्स में मीटिंग स्टार्ट होगा। सबको बोर्ड रूम में बिठाओ, आई एम कमिंग। ओके सर। लक्ष्मण, लक्ष्मण। जी मैडम, बोलिए। मेरे लिए ब्रेड ऑमलेट और एक कप स्ट्रॉन्ग कॉफी ले आओ। जी मैडम। मैडम एक्चुअली सर बोल के गए हैं कि आपको जब भी जाना होगा हमें बता देना, हम दूसरी गाड़ी का इंतजाम कर देंगे। लक्ष्मण, तुम्हारे सर का नाम क्या है? सर जी का नाम है मिस्टर साहिल सलूजा। मिस्टर साहिल सलूजा? साहिल सलूजा का नाम सुनते ही प्रीति एकदम से चौंक गई, क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं, शहर के सबसे बड़े जाने माने बिजनेसमैन थे, जिनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। कहाँ चली गई तुम्हारी बेटी? हाँ, किसी और के साथ लव अफेयर चल रहा है उसका, और मेरे गले बांधने चले थे आप लोग? हमें कुछ पता नहीं बेटा, कल वो तुमसे मिलने गई थी और अभी तक घर वापस नहीं आई। और कितनी बार बोलूंगा कि वो कल मुझसे मिलने आई ही नहीं, ना ही उसका कोई कॉल आया था मुझे। बेटा, हम पता लगा रहे हैं, प्रीति जरूर मिल जाएगी। अंकल जी, इनविटेशन कार्ड छप चुका है, इन 3 महीनों में मैं 15 लाख उड़ा चुका हूँ उसके पीछे, मुझे अब सब पता चल चुका है, भाग गई है वो किसी आशिक के साथ। अरे प्रीति, आप अभी तक यहाँ पे हैं? जी सर, एक्चुअली मेरा इस शहर में कोई नहीं, कहाँ जाऊँ, किसके पास रहूँ, कुछ समझ नहीं आया मुझे, इसीलिए। अरे कोई बात नहीं,
आप जब तक चाहें यहाँ पे रुक सकते हैं, पर मुझे पहले ये बताइए कि आपके साथ हुआ क्या और आपका घर कहाँ है। सर, मेरी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक लड़की हूँ, किसी का कुछ नहीं कर सकती। प्रीति, संभालिए खुद को, बोलिए क्या बात है। सर, आज से 3 महीने पहले मेरी शादी अरुण नाम के एक लड़के के साथ फिक्स कर दी गई। मेरे माँ पापा इस शादी को लेकर बहुत खुश थे। अरे वाह, मेरी बेटी तो आज बहुत सुंदर दिख रही है, किसी की नजर ना लगे। माँ, कहाँ जा रही हो इतनी तैयार होकर? एक्चुअली माँ, मुझे अरुण मिलने बुलाए हैं, इसीलिए। ओ अच्छा, ठीक है, जाओ, जल्दी वापस आ जाना। मैं चलती हूँ पापा। अपना ध्यान रखना बेटी। जी पापा। प्रीति, तुम रियली बहुत प्रिटी हो, तुम्हें तो मैं पलकों पे बिठा के रखूंगा। ओह अरुण, तुम भी ना। तुम्हारे मम्मी से सुना था कि तुम्हें डायमंड बहुत पसंद है, इसीलिए ये डायमंड रिंग खास तुम्हारे लिए। मेरे लिए? वाव, आई एम सो लकी टू हैव यू इन माय लाइफ। यू आर अ नाइस पर्सन अरुण। प्रीति, मैं शादी से पहले तुम्हें सब कुछ सच बता देना चाहता हूँ, ताकि हमारे बीच कुछ सीक्रेट ना रहे। सच? कौन सा सच? यही कि मेरा इनकम महीने का बस 60,000 है, मम्मी पापा के पास रहता हूँ, कार का इंस्टॉलमेंट चल रहा है और बैचलर लाइफ में बहुत खर्चा हो गया है, इसीलिए सेविंग्स भी कुछ खास नहीं है मेरा। बट आई प्रॉमिस, शादी के बाद मैं पूरे पैसे तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, तुम हमारा घर मैनेज करना, फिर तो सेविंग्स हो ही जाएगा। अरे इतनी सी बात, तुम बिल्कुल चिंता मत करो अरुण, मैं पैसों को नहीं प्यार को अहमियत देती हूँ। अरुण तो बहुत ही नेक लड़का मालूम पड़ रहा है, फिर प्रॉब्लम क्या है प्रीति? मुझे भी यही लगा था सर, इसलिए पिछले 3 महीनों से हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे। शादी की शॉपिंग, वेडिंग कार्ड डिजाइन, स्टेज डेकोरेशन, यही सब में बिजी हो गए थे। एक नया लाइफ का सपना देखने लगी थी मैं। फिर एक दिन, प्रीति इतनी रात गए कहाँ जा रही हो? पापा, मैं अरुण से मिलने जा रही हूँ, कल स्टेज डेकोरेशन का फाइनल डेमो भेजना है, इसीलिए अभी हम दोनों उनके घर पे बैठ के कुछ डिसाइड कर लेंगे। पर बेटी, शादी से पहले इतना मिलना जुलना सही नहीं लग रहा, अब तो पड़ोसी बातें भी बनाने लगे हैं। माँ, एक हफ्ते में हमारी शादी होने वाली है, फिर आपके सारे पड़ोसी एकदम से चुप हो जाएंगे, और वैसे भी उनके घर पे मेरे होने वाले सास ससुर भी तो हैं, फिर आपको डर किस बात की? फिर उस रात मैं अरुण से मिलने उनके घर चली गई। मेरे माँ पापा किसी रिश्तेदार की शादी में गए हैं, प्रीति अभी आ ही रही होगी, मैं उसे कुछ खिला पिला के बेहोश कर दूंगा और तुम दोनों अपना काम शुरू कर देना। एक बार वीडियो बन गया तो प्रीति को वही वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करते रहेंगे, और आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियो बना के बेचेंगे, देखना इनकम तो जबरदस्त होगा। अरुण, प्रीति तुम आ गई, आओ अंदर आओ। नाटक बंद करो अरुण, मेरे पड़ोसी सही कहते थे, तुम बिल्कुल अच्छे लड़के नहीं हो, इसीलिए मुझसे पहले 3 बार तुम्हारी शादी टूट चुकी है। प्रीति, मैं तुम्हें पुलिस में दूंगी। ऐसा कैसे पुलिस के पास चली जाओगी? हम जाने देंगे तभी ना। इसको पकड़ लो, यहाँ से भाग ना पाए। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।